वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड इन स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के टाइम पर हम उस पर्सन को या उस विक्टिम को क्या फर्स्ट एड देंगे। तो फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि किसी भी विक्टिम को या कोई भी इलनेस है उसमें मेडिकल जो फैसिलिटी है उससे पहुंचने से पहले जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए वो कहलाता है फर्स्ट एड। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट कर जाता है तो उस कंडीशन में उसको क्या क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि देयर आर विनमस एंड नॉन विनमस स्नेक। इस वर्ल्ड के अंदर जो स्नेक होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन विनमस होते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो जो 70% स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन विनमस होते हैं, मतलब वो जहरीले नहीं होते। केवल 30% जो स्नेक हैं वो ही क्या मिलते हैं, जहरीले होते हैं। इनमें से भी अगर हम बात करें तो जैसे पिट वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, ठीक है, ये वाले जो स्नेक हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगर ये किसी पर्सन को क्या कर जाते हैं, बाइट कर जाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि उनकी लाइफ सेविंग को बचाना बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अगर किसी पर्सन को वेनमस स्नेक बाइट कर जाता है तो उस कंडीशन में उसको कौन सी फर्स्ट एड हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो साइन सिम्टम है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पर्सन को क्या हो गया है, कि स्नेक बाइट ने किया है, ठीक है। कई मैंने आपको पहले बताया कि जो 70% स्नेक होते हैं वो क्या नहीं होते, कि जहरीले नहीं होते। केवल 30% जो स्नेक होते हैं वो ही जहरीले होते हैं। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि इस पर्सन को क्या किया है, स्नेक बाइट किया है, तो उसमें क्या होगा, कुछ साइन सिम्टम दिखाई देंगे जिसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको स्नेक ने बाइट किया है। तो सबसे पहले जो इसका साइन सिम्टम आएगा वो होगा बाइट ऑफ अ स्नेक, मतलब उसमें उसका फन होता है, उसका उसमें क्या होगा, निशान मिलेगा पर्सन में। इसके अलावा उसमें पेन दिखाई देगा और जहां पर उसको बाइट किया है वहां पर रेडनेस दिखाई देगी और फंग मार्क दिखाई देगा, मतलब उसको क्या दिखाई देगा, उसके दांत के निशान वहां पर दिखाई देंगे, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई, जैसे यहां पर इसको स्नेक बाइट किया है तो यहां पर इसके दो टीथ के क्या दिखाई देते हैं, निशान दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फंग मार्क बोलते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग दिखाई देगी, इंक्रीज हार्ट रेट पर्सन की क्या बढ़ जाएगी, हार्ट बीट हो जाती है, वो क्या हो जाती, बढ़ जाती है। नोजिया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और उसको पर्सन को क्या आता है, स्वेटिंग, पसीना आता है बहुत ज्यादा। ब्लड विजन उसको दिखाई देना, मतलब उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है और नमनेस हो जाती है, जहां पर क्या होता है, उसको बाइट किया गया उस प्लेस पर क्या हो जाती है, उसको सुनपन दिखाई देता है या सुन महसूस होता है उसको। ये तो क्या है, कुछ साइन सिम्टम है जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि इसको क्या किया है, स्नेक बाइट किया है। अब क्या होता है कि अगर उसको स्नेक बाइट कर लिया है और आपके पास कोई पर्सन आता है एज ए, आप अगर ट्रेनर हैं या फिर आप एज ए हेल्थ प्रोवाइडर हैं, तो आपके अगर फैसिलिटी पर कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको क्या किया, स्नेक बाइट कर लिया है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, काम डाउन रहना, मतलब शांत रहना है एक तरीके से। फिर उसको आपको क्या करना है, हैंडल करना है। हैंडल करने के बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसको क्या हो गया है, स्नेक बाइट किया है। अब स्नेक बाइट कर लिया तो अब उसको क्या आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि मेक श्योर द एनवायरमेंट इज सेफ फॉर द विक्टिम एंड फर्स्ट एड प्रोवाइडर। सबसे पहले तो उस पर्सन को या विक्टिम को क्या करना है, एक सेफ एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड करना है, आरामदायक पोजीशन में रखना है, दोनों के लिए, जो हेल्थ प्रोवाइडर है उसके लिए भी और जो क्या है, विक्टिम है उसके लिए भी। उसके बाद में मेक अवे फ्रॉम द एरिया वेयर द बाइट अकर्ड, जहां उसको खाया उस जगह से उसको वहां से मूव कर देना है। नेक्स्ट है रीअश्योर द विक्टिम दैट मेनी स्नेक बाइट आर कॉज बाई नॉन विनेमस स्नेक। तो विक्टिम को हमें रीअश्योर कराना है कि अधिकतर जो स्नेक होते हैं, स्नेक बाइट करते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन विनेमस होते हैं, मतलब वो जहरीले नहीं होते हैं, तो इससे उसको घबराने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद रिमूव एनीथिंग दैट इज टाइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज दीज कैन कॉज हार्म इफ स्वेलिंग अकर। ठीक है, अगर उसने कोई टाइट ऑब्जेक्ट ऐसा पहन रखा है विक्टिम ने, तो उनको क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे ब्रासलेट है, रिंग है, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें, तो उनको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, उसमें स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग आएगी तो उस एरिया का जो ब्लड प्रेशर वो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो सकता है एक तरीके से। तो ऐसे जो टाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी बॉडी पर, उनको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इमोबिलाइज अराउंड द बीटन पार्ट कंप्लीटली बाय अप्लाइंग अ स्प्लिंट। इसमें आपको क्या करना है कि जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि जैसे आपके यहाँ पर लेग में बाइट कर गया है स्नेक, तो उस एरिया को क्या करना है, इमोबिलाइज करना है, मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं है बिल्कुल भी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिंट आती है उसको टाइट करके या इसको बांध करके, और उसको क्या कर सकते हो, आप इमोबिलाइज कर सकते हो। इससे क्या हुआ कि जो इसका पॉइजन है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में क्या नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना है कि पर्सन को क्या करना है, जल्दी से जल्दी नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी है उस पर उसको ले जाना है। तो इसके लिए कोई भी जो लोकल पर्टिकुलर कोई साधन है या कोई व्हीकल है उसको अरेंज करके, और उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। इसके अलावा अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि स्नेक बाइट कर जाता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको इसमें डिस्कस करके बता देती हूँ। सबसे पहले कि डू नॉट पैनिक एज इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, पैनिक नहीं होना, जैसे ही कोई स्नेक बाइट करता है तो उसको काम डाउन क्या कर देना है विक्टिम को, कि जो स्नेक होते हैं, मोस्टली जो स्नेक होते हैं वो नॉन विनेमस होते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो पैनिक लेगा ज्यादा पर्सन, तो उससे क्या हो सकता है कि उसकी हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बॉडी में और भी कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट ट्राई टू किल द स्नेक। स्नेक को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप पर्सन को वहीं छोड़ करके और स्नेक के पीछे जाओगे उसके मारने के लिए, तो जो विक्टिम है उसकी हालत और ज्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विक्टिम को संभालना है। नेक्स्ट है, डू नॉट कट द वुंड, इट मे इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। कि ये पुराना ट्रेडिशन है कि क्या कहते हैं, पहले कि जहां पर स्नेक बाइट किया उस पार्ट को क्या कर दो, कट करके, और उसका जो ब्लड है उसको बाहर निकलना। तो ये आपको नहीं करना है, इससे क्या होगा कि इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है, डू नॉट यूज अ टाइट टॉनिकट, इट मे स्टॉप सर्कुलेशन। कि आपको क्या नहीं करना है कि किसी भी तरह का कोई टाइट टॉर्निक्यूट या कोई कपड़ा उसके चारों तरफ क्या करना, नहीं बांधना है। इससे क्या हो सकता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। डू नॉट गिव एनीथिंग टू माउथ। माउथ से कुछ भी इसको नहीं देना, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी के जो और फंक्शंस हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो स्लो डाउन हो जाता है काम करना। तो मुंह से आपको उस पर्सन को कोई भी चीज नहीं देना है, इसके चांसेस क्या होते हैं, एस्पेक्सिया के ज्यादा चांसेस रह जाते हैं कि वो अच्छी तरह से उनको क्या निगल नहीं पाता है, और जो भी आप मुंह से उसको दोगे तो वो उसकी सांस की नली में जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपको उसको पर्सन को क्या नहीं देना है, मुंह से कुछ भी चीज नहीं देनी है। नाउ डू नॉट द सक द विनम of the wound as it will risk of a venomous effect to the provider। और आपको ये भी करने की कोशिश नहीं है, ये क्या पुराने ट्रेडिशन है कि जो wound है उसको कट करके उस जो जहर होता है उसको सक करके नहीं और उसको बाहर निकालते हो, तो ये चांसेस आपको नहीं करने। इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर होता है उसको भी जान का खतरा रहता है। एंड डू नॉट फॉलो ट्रेडिशन फर्स्ट एड। जो ट्रेडिशन फर्स्ट एड होते हैं, किसी भी तरह का जो झाड़ फूंक होता है वो आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट कर जाता है तो आपको क्या करना है कि उसको पर्सन को इमोबिलाइज करना है, स्प्लिंट का यूज करना है, और तुरंत उसको क्या करना है, हॉस्पिटल ले जाना है। इसके बाद ये कुछ चार्ट है, इसमें मैंने बताया है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो डू नॉट में हम करेंगे, टेक द पेशेंट्स टू ए तांत्रिक और स्नेक चैम्बर फॉर ट्रीटमेंट। इसके लिए हमें नहीं करना है, किसी भी झाड़ फूंक के पास, तांत्रिक के पास नहीं जाना है। सक द वुंड ये नहीं करना है, कट द वुंड अपन वुंड को भी कट नहीं करना है, एंड
टाइट लिगेजर्स अराउंड द वुंड, वुंड के चारों तरफ इस तरह से क्या है अपन को टॉर्निक्यूट या कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं बांधना, इससे क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। बर्न द वुंड, वुंड को भी बर्न नहीं करना, एंड अप्लाई हर्बल पेस्ट ओवर द वुंड। इस तरह से जैसे कोई हर्बल पत्तियां वगैरह आती हैं जो ट्रेडिशनल जो इसका ट्रीटमेंट बताते हैं कि इस तरह से आप हर्बल जो पत्तियां हैं उसको चारों तरफ इसके लगा लो और उसे क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे आपको इसमें नहीं करने, तो करना क्या है आपको कि इमोबिलाइज द अफेक्ट लिम्ब, लिम्ब को क्या करना है कोई भी पार्ट है बॉडी का उसको आपको इमोबिलाइज करना है। अप्लाइंग बेसिक फर्स्ट एड, क्या करना है फर्स्ट एड में क्या करना है आपको उस वुंड को अच्छी तरह से वॉश करते हो कर सकते हो किससे सोप वाटर से, और आइस वगैरह भी आपको इसमें नहीं अप्लाई करनी है। एंड रश द पेशेंट्स टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल दैट कैन डिलीवर टिटनेस टॉक्साइड एंड एंटी वेनम। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्या करोगे हॉस्पिटल ले जाओगे जल्दी से जल्दी वहां पर इसको टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाएगा और इसके साथ साथ ही एंटी वेनम का इंजेक्शन इसमें दी जाती है इमरजेंसी केयर के तौर पर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अब बताया फर्स्ट एड के बारे में, स्नेक बाइट जब कर जाता है तो उस कंडीशन में क्या फर्स्ट एड दी जाती है। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको स्नेक बाइट की जो फर्स्ट एड है उसके बारे में बताया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।